आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव मंगावाला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर और ब्लॉक से मात्र 13 किलोमीटर है। 1300 वोट वाले इस गांव की प्रधान श्रीमती आमना बेगम हैं। 4 वर्ष में इन्होंने इस गांव को कितना विकास कराया है और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, ये जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के मंगावाला गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया गया है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहां पर 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए हैं? दीवार बाउंड्री कराई है जी, सबर से भी लग रहे हैं अब जी, और शौचालय सही कराए। शौचालय से गांव ओडीएफ हो गया? ओडीएफ गांव हो गया, कोई भी मेरे गांव में से बाहर नहीं जा रहा, कोई बाहर नहीं जाता सोच के लिए, सोच के लिए कोई बाहर नहीं जा रहा। आवास मिले हैं यहां लोगों? आवास मिले हैं जी, बढ़िया विकास हुआ है। नाली सीसी कार्य कितना मीटर आपने करवा दिया होगा? बहुत काफी काम कराया, कोई भी गाँव में रास्ता ऐसा नहीं रहा जो इस पर, आपके गाँव में कच्चा रास्ता कोई बाकी, कच्चा रास्ता कोई बाकी नहीं रहा। अब फिर दोबारा से विद्यालय में फिर काम शुरू हो रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या ये गांव में सभी को मिली है? सभी को मिली है, सभी व्यक्तियों, किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आया है वो कितने परसेंट लोगों को? सबको पैसा आ गया, 10% आदमी रह गए हैं मेरे गांव में, बाकी सभी को पैसा आ गया है। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन वगैरह सबको मिल रही है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई है सबको? हाँ, 13-14 सोलर लाइट लगवाई है, और कूड़ेदान लगवाए हैं, कूड़ेदान लगवाए हैं। और सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की दो ट्रैक्टर चलते हैं मेरे, सफाई पर कूड़ादान के लिए, कूड़ेदान के लिए जो मतलब कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करने के बाद तो वो ट्रैक्टर मतलब किसकी तरफ से चलते हैं? आपकी तरफ से? मेरी तरफ से। आपकी तरफ से आपने लगा रखे हैं नियमित? जी, मैं अपनी तरफ से मतलब ये गांव में सफाई सफाई के लिए मैं और अपनी अच्छे जा मेरे गांव में अच्छी सफाई हो जी, जी। सफाई कर्मी लगे हुए हैं यहाँ? सफाई कर्मी मेरे पास आते हैं, आते हैं और डेली सफाई कर्मी आते हैं जी। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर हैं जी? ये नहीं है, बारात घर नहीं है मेरे पंचायत में। पंचायत भवन है? पंचायत भवन भी नहीं है मेरी पंचायत में। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी के अंदर है। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है। शमशान घाट पर? शमशान कोई घाट नहीं है मेरे गाँव में। क्या यहाँ शमशान के हिंदू समाज के लोग शमशान घाट के लिए? मैंने बहुत मांग करी है, बहुत दूर जाते हैं, दूसरे सीमाने पर जाते हैं। कभी इसके लिए मैंने प्रस्ताव मैंने कई बार रखा है, कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव में शमशान घाट होना चाहिए जी। और कोई समस्या आपके गांव में? समस्या कोई नहीं मेरे गांव में। इसके लिए आप चाहते हैं कि खासतौर से सरकार ध्यान दे? सरकार ने बहुत ध्यान दिया और ध्यान दे रही है। सांसद या विधायक कभी आते हैं यहाँ? सांसद विधायक तो आते हैं मगर आपकी समस्याएं सुनने? हाँ बिल्कुल आते हैं, आते हैं, आते दिया है उन्होंने भी दिया है विकास और भी देने की कोशिश की है और सभी रास्ते होंगे बढ़िया। गाँव में चैनी से है। कितने लोग अभी यहाँ ऐसे होंगे जिनके मकान कच्चे हैं, आवास नहीं है, जरूरत है आवास? 20-25 लोग ऐसे हैं जो अभी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, रहने के लिए आवासों की आवश्यकता होगी सभी बात। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी कार्य, आवास भी लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे बारात घर, पंचायत घर को लेकर प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। यहाँ जो सबसे प्रमुख समस्या है, सबसे प्रमुख मांग प्रधान ने की है वो शमशान घाट को लेकर की है। हिंदू समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं गाँव में, जिन्हें शमशान घाट की ज़रूरत के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। इनकी मांग है कि यहाँ गांव में शमशान घाट बनवाया जाए और यहाँ पर प्रधान जी ने अपने ही स्तर पर सफाई की व्यवस्था को कायम रखा हुआ है अपनी तरफ से, वो कूड़ेदान, कूड़े के लिए ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, ये काफ़ी अपने आप में तारीफ काबिल काम है, काबिल तारीफ ये काम है इनका। और अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। मेरा सब नाम अमन सिंह है। अमन सिंह जी, यहाँ पर आपके गांव में क्या समस्या आप महसूस करते हैं सबसे बड़ी, जिसका अभी तक भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आप चाहते हैं कि इसका समाधान? ये चाहता हूँ कि और तो सब समाधान हो चुका है जी। और हो रहा है जी। और प्रधान जी ने भी सारा काम करा चुके हैं, काफी विकास यहाँ काफी विकास हुआ है यहाँ पे जी। और हमारे जो शमशान घाट हैं उनका कोई निर्माण नहीं हुआ अभी तक, यहाँ शमशान घाट का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके लिए आप लोगों को काफी परेशानी होती है चमासे में। बहुत कितना दूर यहाँ से आपको जाना पड़ता है टेस्ट स्थल के लिए? करीब करीब 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तो जाना पड़ता है। क्या इसके लिए कभी कोशिश की है? प्रधान जी कह रहे हैं कि उनके द्वारा बहुत कोशिश की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है हमारी बात पर, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जी।